গা জ্বলছে, শীতকাল স্কিনে প্রবলেম হচ্ছে, একটু ভেজলিন মাখুক শুভেন্দু, যা হচ্ছে গা চিড়বিড় করছে, কোথায় কে ডিজি হয়েছে, কে স্বরাষ্ট্র সচিব হয়েছে, তাও এই ওই ওর সহ্য হচ্ছে না এই শীতকালে, কারোর কারোর স্কিনে প্রবলেম হয়। নমস্কার, আপ দেখ রহে হ্যাঁ পশ্চিম বঙ্গাল কি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কি সরকার দ্বারা কি গই এক নিযুক্তি, জিসে বিপক্ষ কে নেতা শুভেন্দু অধিকারী নে অবৈধ বতায়া হ্যায়। इस नियुक्ति को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है और इसे अदालत में चुनौती देने की बात भी हो रही है। तो चलिए इस मामले को समझने के लिए विस्तार से जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने गृह सचिव के रूप में आईएएस अधिकारी नंदिनी चक्रवर्ती की नियुक्ति की है, जिसे विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने अवैध बताया है। भाजपा के नेता ने कहा है कि वे इस नियुक्ति को अदालत में चुनौती देंगे। सरकार ने 2023 के अंतिम दिन बीपी गोपालिका को राज्य के मुख्य सचिव और नंदिनी चक्रवर्ती को नया गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया था। अधिकारी ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि चक्रवर्ती, जो पहले पर्यटन सचिव थी, अचानक नए गृह सचिव के रूप में नियुक्त की गई है, जिससे उनसे वरिष्ठ कई अधिकारियों को अनदेखा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय स्थापित नियमों का उल्लंघन करता है, इसमें कानूनी नुकसान हो सकता है। अधिकारी ने घोषणा के एक दिन बाद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट में इस नियुक्ति को अवैध बताया और कहा कि वे इसे अदालत में चुनौती देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके पास नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितताओं का सबूत है, जिसमें केंद्र सरकार के तहत अन्य अधिकारियों के चयन में की गई उल्लंघन शामिल है। एक अलग पोस्ट में अधिकारी ने डीजीपी राजीव कुमार नियुक्ति को भी सवालों के घेरे में डाला है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि चक्रवर्ती को नए गृह सचिव के रूप में नियुक्त करने के लिए 13 अतिरिक्त मुख्य सचिवों और 5 प्रधान सचिवों को अनदेखा कर दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री ने संदेहास्पद नियुक्तियों का इतिहास बनाया है और इस मामले में एक व्यापक जांच की मांग की है। अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया कि चक्रवर्ती की नियुक्ति से पहले उन्हें एक विवादित अधिकारी के रूप में जाना जाता था। उन्होंने अपने पिछले पदों पर कई अनुचित कार्य किए थे। उन्होंने कहा कि चक्रवर्ती ने 2019 में एक घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था, जिसमें उन्होंने एक निजी कंपनी को एक राज्य सरकार की परियोजना का ठेका देने में मदद की थी। इसके अलावा उन्होंने 2020 में एक अन्य घोटाले में भी शामिल होने का आरोप लगाया था, जिसमें उन्होंने एक विदेशी कंपनी को एक राज्य सरकार की पर्यटन परियोजना का ठेका देने में मदद की।